यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 9 फरवरी यानी कि आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म मेंटुरेशनल हाइजीन पर बनी हुई है। देहरादून के शिक्षा विभाग ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों की छात्राओं को शुक्रवार को फिल्म को मुफ्त में दिखाने का फैसला लिया है। राज्य मंत्री रेखा आर्या भी इस फिल्म को छात्राओं के साथ देखेंगी। महिला सशक्तिकरण पर बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में बहुत उत्साह है। रिपोर्टर्स की माने तो फिल्म पहले दिन 13-14 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। फिल्म भारत में 2,750 स्क्रीन में और विदेशों में 600 स्क्रीन में रिलीज हुई है। दुनिया भर के 50 देशों ने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन की रिलीज को ग्रीन सिग्नल दे दी है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन को लेकर एक सामाजिक टैबू पर बनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। दरअसल फिल्म के कंटेंट की वजह से इसे पाकिस्तान में एनओसी नहीं मिली है। ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जो की मेंटुरेशनल हाइजीन के प्रति जागरूक करती है। एक लोकल एक्टिवेटर के हवाले से पिंक मिला ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि पाकिस्तान में पहले फिल्म रिलीज करने की योजना थी, लेकिन कंटेंट देखने के बाद इसे एनओसी देने से मना कर दिया। वैसे बता दें कि पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफई ने ट्रेलर के बाद फिल्म की काफ़ी तारीफ की है। अक्षय कुमार की इस फिल्म को सबसे बड़ी रिलीज माना जा रहा है। ये रूस, इराक जैसे बड़े देशों में रिलीज होने जा रही है। पद्मावत की रिलीज के चलते 25 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म 9 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सोनम कपूर और राधिका आप्टे भी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल कैमियो है। सैनिटरी पैड्स और व्यूमन हाइजीन पर आज तक हॉलीवुड में भी कोई फिल्म नहीं बनी है।